मुरैना से हैं विष्णु जी, स्वागत है आपका। मेरी हेलो। दादी जी हैं। हाँ हाँ हेलो, मेरी दादी जी हैं, उनकी उम्र है 65 साल। तो जी, उनके क्या है, नाक में एकदम दर्द सा होता है, ऊपर की साइड जलन सी होती है। हाँ देखिए, शहद लें, शहद, हनी जिसे कहते हैं, और एक चम्मच हनी, और एक आती है पीपलें, किचन में होती हैं, दादी से पूछेंगे तो वो बता देंगे पीपलें क्या होती हैं। 1 इंच की, 1.25 इंच की लंबी होती है, और ये पीपलें लेके 50-100 ग्राम पीस लें, और एक चुटकी में जितनी पीपलें आएँ इसका पाउडर 1 चम्मच शहद में मिला के दादी को दिन में एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार दिया करें, और गर्म पानी पिलाया करें, दादी का ठीक होना मुमकिन है। बिल्कुल हकीम साहब, जब हम घरेलू नुस्खों की बात करते हैं, आप कभी कभी घरेलू नुस्खों के साथ साथ हमें यूनानी मेडिसिन भी बताते हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति घरेलू नुस्खे भी अपनाए, यूनानी मेडिसिन भी इस्तेमाल करे, तो क्या ये दोनों एक साथ सेवन करना ठीक है? हाँ देखिए, दोनों चीज़ें एक सी नहीं होनी चाहिए, जी। कभी डबल डोज हो जाए। और ये यूनानी मेडिसिन भी ख़तरनाक हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा ले ली जाए जी तो, जी यानी 1 चम्मच हल्दी तक तो आदमी ले सकता है, बिल्कुल। लेकिन अगर वो 2-3 चम्मच ले लेगा तो बहुत नुकसान देती है, किसी नस को भी फाड़ सकती है, जी। दिमाग की नस को, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जैसे गौन सिया है तो वो आधा ग्राम तक ही ले सकते हैं, अगर 1 चम्मच ले लिया तो आदमी मर भी सकता बहुत तेज होता है, है ये। काफ़ी तेज़ होता है। जी और इससे दवाइयाँ बनती हैं, जी यूनानी मेडिसिन इससे बनती है, उसमें डालता है। मेरा क्या है कि मैं डायरेक्ट वही दवा, वो चीज़ बता देता हूँ जिससे दवाइयाँ बनती हैं। तो जैतून का सिरका है तो उसकी भी एक लिमिट है, यानी देखिए कि आप नमक है तो उस एक लिमिट में आदमी खा सकता है, और अगर ये ज़्यादा खा लेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हर चीज़ की एक लिमिट है, हमें एतदाल में रहना चाहिए, लिमिट में, और बगैर मालूम किए कोई भी चीज़ ना खाया करें, क्योंकि यूनानी में काफ़ी चीज़ें पॉइजनिक भी होती हैं, और सिर्फ हकीम और दवा फरोशों को मालूम होता है कि कौन सी चीज़ कितनी खानी चाहिए बगैर। और ये जो आप किचन की चीज़ें हैं ये भी नुकसान देती हैं, अगर आप ज़्यादा खा लें तो लिमिट में खाएं, और जो लोग घरेलू नुस्खे से ठीक ना हो वो दवा ले सकते हैं। पहला स्टेप है घरेलू नुस्खा, और मुझे ये शर्फ हासिल है कि मेरे घरेलू नुस्खों से 80-90% लोग अच्छे हो जाते हैं।